हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैजिक वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। यहां पे मैंने इस तरीके से वीडियो शूट किया और शूट करने के बाद अब हम इसको एडिटिंग की बात करेंगे। इसको एडिट कैसे करना है, शूट इस तरीके से करना है। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ट्राईपोड पे लगा के रखा हुआ है। देखिए, मेरा वीडियो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल मोबाइल इधर से उधर हिल नहीं रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं एडिटिंग की ओर चलते हैं। तो हम चलते हैं काइन मास्टर में आते हैं, क्लिक करके क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो लेके आ जाना है। तो सबसे पहले हम वीडियो को लेके आ जाते हैं। ये दोस्तों, हम यहाँ पे वीडियो लेके आ चुके हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए मेरा बहुत सारा इस वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, तो कट करेंगे। तो कट करने के लिए आपको इस पे वीडियो पे सिंपल से क्लिक करना है और ट्रिम यानी कैंची वाले ऑप्शन में जाना है और ट्रिम लेफ्ट करना है। आपका लेफ्ट वाला हिस्सा कट के बाहर हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को एंड तक आना है कि आपका वीडियो कहाँ तक एंड होता है। तो यहाँ से मेरा वीडियो एंड हो चुका है, तो मैं यहाँ का पीछे वाला जो मुझे हिस्सा कट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से कैंची में जाना है और ट्रिम राइट कर देना है। इस तरीके से ये हमारा कट के वीडियो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें कलर डालना है, वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा मैनेज करना है। तो क्वालिटी मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में हमको जाना है और यहाँ पे हल्का एडजस्ट करना है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम करना है इस तरीके से, और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, इसको फुल कर देना है। दूसरा आप ये भी फुल कर देना है और आपका वाइब्रेशन भी इसका फुल कर देना है और इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है इस टाइप से, और सबसे नीचे आना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना है। इस तरीके से करने के बाद में आपकी वीडियो की क्वालिटी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का इसको यहाँ से मैनेज कर लीजिएगा, बाकी सभी थोड़ा थोड़ा यहाँ से मैनेज करना है, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा देखने में अच्छी लगे। दोस्तों, अब यहाँ से हमने इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने करेक्टरों के जो जिस चीज़ का हमने यहाँ पे नाम लिया है, वो चीज़ हमको यहाँ पे लेके आनी। तो वो चीज़ आप कहाँ से लेके आएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी आप सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन मोतीचीर के लड्डू, या फिर आप क्रोम में डायरेक्ट सर्च करेंगे, आपको जिस भी चीज़ की आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और उसका बनाना है। तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आज वीडियो को पूरा बारीकी से बताऊँगा मैं, देखते रहिएगा आप। तो चलिए हम लेयर में चलते हैं, और सबसे पहले हमने यहाँ पे जो डाउनलोड कर रखी हैं सारी चीज़ें, ये देखिए दोस्तों, हमने गिफ्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया है। अब गिफ्ट बॉक्स में जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें यहाँ से कट करना है। ट्रिम लेफ्ट करेंगे और इसको बिल्कुल शुरू में लेके जाएंगे, इस टाइप से हम इसको बिल्कुल शुरू में लेके आ जाएंगे। शुरू में लेके आने के बाद हमें सबसे पहले इसका क्रोमा की को रिमूव करना है। तो क्रोमा की रिमूव करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रोमा की का, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हल्का सा इसको एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद इसको डन करना है। फिर आपको एडजस्टमेंट में आना है और इसकी थोड़ी क्वालिटी को अच्छा कर लेना है, और इसके एंड में आना है। जहां तक हमारा ये एंड होता है, हमें यहां से वीडियो के एंड का कट कर देना है। ट्रिम राइट कर देंगे हम यहाँ से। अब ये हमारा वीडियो की लेंथ के बराबर हो चुका है। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, यहाँ पे हल्का सा इसको बड़ा कर लेना है। यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट का, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट लेयर बनाना है। उसको फिर नीचे लेके आना है इस टाइप से, फिर आपको थ्री डॉट में जाना है, फिर एक डुप्लीकेट लेयर बनानी है, फिर आपको एक नीचे लेके आना है इस टाइप से, फिर एक आपको डुप्लीकेट लेयर बनानी है, फिर आपको डुप्लीकेट एक और चाहिए। आपको टोटल आपका करेक्टर चार है, तो हम यहाँ पे चार कर लेंगे इस टाइप से। दोस्तों, हमारे चारों करेक्टर यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमको अपने करेक्टर लेके आने हैं। तो करेक्टर लाने के लिए फिर से हमें लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, रसमलाई ये हमें चारों यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। हम चारों चीज़ यहाँ पे लेके आ चुके हैं दोस्तों, ये हमारे चारों चीज़ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसको जिसका नंबर है हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा रसमलाई है, तो रसमलाई को हम यहाँ ऊपर लेके आएंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे इसका साइज इस टाइप से, और
इसमें अब आपको करना क्या, एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है तो क्वालिटी अच्छी लगेगी। और इसको अब हमें क्या करना है, शुरू में आना है और वीडियो को प्ले करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे गोली चलाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है स्टेप से और आगे का ट्रिम कर देना है, यानी कि आगे का कट कर देना है। और यहाँ पे हमें रसमलाई को लेके आना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें इसको रसमलाई को बराबर कर लिया इसके, और रसमलाई की लेंथ हमें जो है वीडियो के बराबर करनी है इस टाइप से। हमें इसकी लेंथ को बिल्कुल वीडियो के बराबर कर लेनी है। ये हमारी लेंथ वीडियो के बराबर हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे रसमलाई पे क्लिक करना है और बॉक्स के ऊपर लेके आना है, और इसका साइज पहले हमें बिल्कुल छोटा कर देना है, इस टाइप से छोटा कर देना है और इसके बॉक्स के बीच में रखना है इस टाइप से। फिर आपको थ्री डॉट पे जाना है और यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, ये आपके बॉक्स के पीछे चला जाएगा। अब आप यहाँ पे लगानी की, तो की लगाने के लिए आपको की पे क्लिक करना है, चाबी वाला ऑप्शन मिलेगा, हल्का सा आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़े, हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद हमें इसको स्टेप से बढ़ाना है और मिलाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, एनिमेशन डालना है। यहाँ पे इन एनिमेशन में जाना है, पॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे 1.5 कर देना है। ये हमारा हो गया। जब हम इसको प्ले करके देखेंगे स्टेप से, ये हमारा हो गया, ये हमारा पहला करैक्टर हो चुका है। अब दूसरा करैक्टर हमारा कहाँ से, वीडियो को प्ले करते हैं। अब हमने गोलगप्पे पे निशाना दागा, तो हम जो है अब सेकंड वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस पर यहाँ पे ट्रिम राइट करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे कौन सा रोल था, गोलगप्पे वाला, तो हम यहाँ पे गोलगप्पे को लेके आते हैं। इस टाइप से हमने गोलगप्पे लिया है। अब हमें क्या करना है, गोलगप्पे की भी लेंथ जो है वीडियो के बराबर करनी है। ये हमारी वीडियो के बराबर हमने लेंथ कर ली है, ये हमारी हो चुकी है। अब हमें इसमें भी क्या करना है, इसको पहले एडजस्ट करना है, यहाँ पे लेके आना है, और इसका साइज भी हमको छोटा करना है, इसको हम बीच में लेके आएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। अब ये हमारे बॉक्स के बैक चला जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी की लगानी, की पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, प्लस करना है, इसको उंगली की मदद से बड़ा करना है, इस टाइप से बड़ा कर लेना है। इसकी भी क्वालिटी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस टाइप से। इन एनिमेशन में जाएंगे, पॉप करेंगे, 1.5 कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम वीडियो को यहाँ से प्ले, हमारा यहाँ से वीडियो से प्ले करते हैं, ये हमारा हो गया। अब तीसरा करैक्टर, यहाँ हमने रबड़ी पे निशाना दागा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें आना है तीसरे वाले बॉक्स में, इस पर क्लिक करना है और इसको भी ट्रिम राइट कर देना है। अब यहाँ पे हम लेके आएंगे रबड़ी, रबड़ी वाला हमारा करैक्टर है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ लेके आते हैं और इस वीडियो के बराबर करते हैं। हमने इसको कर लिया है। इसको करने के बाद सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है और इसको साइज छोटा करना है इस टाइप से, इसको यहाँ लेके आना है बॉक्स के बीचों बीच, और इस पर हमें थ्री डॉट पे जाके इसको भी सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद इसकी भी हमें लेंथ वीडियो के बराबर करनी है इस टाइप से। शुरू में आना है, क्लिक करना है, की पे जाना है
और आगे बढ़ना है, प्लस करना है और इसको बड़ा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट में जाना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाके पॉप प्लस 1.5, ये हमारा करेक्टर हो गया। अब होने के बाद में अब हमें यहाँ से वीडियो को फिर प्ले करना है। प्ले करने के बाद ये हमारा हो गया। अब मोतीचूर पे हमने निशाना दागा। अब यहाँ पे हमें आना है चौथे वाले, इसको हमें ट्रिम राइट करना है और यहाँ पे हमें लड्डू को लेके आना है, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो के बराबर कर लेना है हमें इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे वीडियो के बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके शुरू में आना है और इसको भी साइज छोटा कर देना है और बॉक्स के बीचों बीच रखना है। रीड आउट में जाना है, सेंड टू बैक कर देना है, की पे जाना है, हल्का सा आगे बढ़ना है, प्लस करना है और बढ़ा देना है। इस टाइप से एडजस्टमेंट में जाएंगे, प्लस इन एनिमेशन पॉप 1.5, ये हमारा हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया है। अब इसमें जहाँ पे आपने बंदूक दागी है, बंदूक का निशाना दागा है, तो वो वाला इफेक्ट, वो वाला साउंड आपको कहाँ से, यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है और जहाँ जहाँ आपने बंदूक चलाई है वहाँ वहाँ पे आपको फिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप डाल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मैं आपको लगा के दिखा सकता हूँ। तो हम चलते हैं डाउनलोड पे और इस पर क्लिक करते हैं। हमने ऊपर ही है हमारा, क्योंकि वो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इस पर जाके क्लिक करेंगे और एस्ट्रक ऑडियो पे क्लिक करेंगे, इसका ऑडियो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे और जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारा स्टेप से दिखाई देगा। इस टाइप से हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।